दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे रहना है तेरे दिल में के री रिलीज के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में आर माधवन, सैफ अली खान, दिया मिर्जा, ब्रिजेश शिरजे, तनाज ईरानी और अनुपम खेर नजर आए थे। आपको बता दूं कि ये फिल्म आर माधवन की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म थी तो दिया मिर्जा की भी डेब्यू फिल्म थी। फिल्म को गौतम मेनन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को लगभग 150 स्क्रीन के साथ 19 अक्टूबर 2001 में रिलीज किया गया था। तब इस फिल्म ने इंडिया में 5,52,00,000 के कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 10,17,00,000 के कलेक्शन किया था। फिल्म का बजट लगभग 6 करोड़ था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में तब फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन बाद में फिल्म के गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। वीसीडी में भी इस फिल्म की सेलिंग बहुत अच्छी हुई थी, जिसके बाद ये फिल्म कल्ट क्लासिक बन गई। आज 23 साल बाद इस फिल्म को री रिलीज किया गया है। वहीं बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.5 रेटिंग मिले हैं। बात करें दोस्तों इस फिल्म के री रिलीज के कलेक्शन की तो इस फिल्म के कलेक्शन काफी अच्छे खासे आए हैं। अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन के हिसाब से इस फिल्म ने अपने पहले दिन में लगभग 9,00,000 का कलेक्शन किया है। तो दोस्तों क्या आप इस फिल्म के री रिलीज वर्जन को थिएटर में देखने वाले हो या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।